आग से बचाव के उद्देश्य से फायर ब्रिगेड के द्वारा 15 से 20 अप्रैल तक अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके तहत सोमवार को गोलघर स्थित फायर स्टेशन से एक जन जागरूकता रैली निकाली गई, जिसको मुख्य अग्निशमन अधिकारी देवेंद्र कुमार सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में अग्निशमन के वाहनों पर विभिन्न प्रकार के पोस्टर, बैनर तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र से सुसज्जित वाहन शामिल थे, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए ध्वनि विस्तार यंत्र से अग्नि के रोकथाम हेतु प्रचार प्रसार करते हेतु पुनः फायर स्टेशन पर वापस आ गए। जन जागरूकता सप्ताह के संबंध में मुख्य अग्निशमन अधिकारी डी के सिंह ने बताया कि 15 अप्रैल से 20 अप्रैल तक अग्नि सुरक्षा सप्ताह के रूप में मनाया जाता है, जिसके तहत 15 अप्रैल को जन जागरूकता रैली निकाली गई है। 16 अप्रैल से 20 अप्रैल तक विभिन्न स्कूलों, कॉलेजों, संस्थानों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में भी अग्नि से रोकथाम एवं बचाव का प्रचार प्रसार किया जाएगा। गोरखपुन्नी से बात करते हुए CFO डी के सिंह ने बताया। से 20 तक ये हमारा अग्निशमन सुरक्षा सप्ताह चलता है। कल हम लोग जो हमारे आग बुझाते समय बॉम्बे में जो हमारे 66 फायर के जवान शहीद हुए थे, कल उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई और पिन फ्लैग लगाया गया। आज से हमारा प्रचार प्रसार का अभियान शुरू होता है, तो आज हम लोग अपनी शहर में गाड़ियों को रैली निकाले हैं और पंपलेट पोस्टर लगा के उनको और माइक द्वारा उनको बताना है कि आग से बचाओ। पहला है कि आग लगने ही ना पाए, कोई किसी तरीके से आग जो लगती है लापरवाही से होती है, उसको जागरूक करना है कि आग लगने ही ना पाए, और लग जाती है तो क्या करना है उसी के बारे में जनता को जागरूक करना है और प्रचार प्रसार करना है। ये हमारा कार्यक्रम 20 तक चलता रहेगा।